स्वागत है संस्कृत भाषा चैनल में आप सभी का। रचनानुवाद कौमुदी में हमने 10 अभ्यासों का अध्ययन कर लिया है और 10वें अभ्यास को 2 बार जाना है। अगर उसमें फिर भी कहीं कोई समस्या आ रही हो तो अवश्य बताएं। आज हम 11वें अभ्यास पर चलेंगे, तो 11वें अभ्यास में थोड़ा सा अध्ययन करते चलें क्योंकि इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ, आप इनके शब्दकोश तो याद कर ही रहे होंगे, उम्मीद है, ये मुझे आशा भी है। एक एक करके जो भी जिस कारक का इसमें प्रयोग किया जाए उनका विस्तृत रूप से आप सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से अध्ययन करें, अन्यथा हमारी वीडियो देखते चले जाएं, क्योंकि कारक प्रकरण को विस्तृत रूप से हमने समझाने का प्रयास किया है। शायद इतना विस्तृत में शायद ही किसी ने समझाया हो और समझाया भी होगा, लेकिन हमने एक एक सिद्धांत कौमुदी में से कुछ वार्तिकों को छोड़ करके, बहुत कम छोड़े हैं, 2-1 ही मुश्किल से छोड़े होंगे, हर एक में तो नहीं छोड़े, खैर एक आदमी छोड़ा है, तो बहुत विस्तृत में समझाया। आप उसमें जाकर के अवश्य अध्ययन करना, क्योंकि यहाँ कारक मैंने बताया था, कारक समझाते समय बताते थे कि कारक को समझा रहे हैं, यहाँ वाक्यों को नहीं समझा रहे हैं। वाक्य उदाहरण इसलिए दिए जा रहे हैं कि कारक आपको समझ में आ जाए, सूत्र आपको समझ में आ जाए। यहाँ वाक्य समझाया जा रहे हैं, यहाँ कारकों को नहीं समझाया जाएगा। तो आपको कारकों का भी अध्ययन करना है, शब्दकोश को भी याद करना है, कंठस्थ करना है, जिसको एक तरह से रटना अगर शब्द कह दो तो लोगों को थोड़ा सी चिढ़ लगती है, लेकिन वास्तविकता यह है रटना भी संस्कृत में आवश्यक है। समझना और 3 स्तर होते हैं, थोड़ा सा यहाँ चर्चा करते चलें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चर्चा भी बहुत जरूरी हो जाती है। स्मृति स्तर होता है, एक अवबोधन स्तर होता है और तीसरा स्तर होता है चिंतन का, जिसको नीम बोलते हैं। यदि जमीन है उस पर अपने मकान बनाना है, बिल्डिंग बनानी है या कोई और चीज बनानी है, उसकी नीम मजबूत होनी चाहिए। तो नीम का काम, अब यहां नीम का काम क्या करेगा, जो नीम होती है, नीम का काम करेगी स्मृति में स्टोर यानी इकट्ठा किए हुए शब्दकोश या जो भी आपने याद किया है, तो उसको बोलते हैं स्मृति स्तर। और इसको यदि इसने आधार नहीं बनाया किसी व्यक्ति ने, इसको ही हम बोल देते हैं रटना। कोई रटना शब्द बुरा नहीं है, लेकिन समाज में पढ़ करके वो गंदा हो गया। कुछ शब्द होते हैं जो समाज में पढ़ जाते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं, तो रटना शब्द बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे को, कक्षा 10 तक के बच्चों को आप व्याख्या कर दीजिए बहुत जबरदस्त, 6, 7, 8, 9, 10 दसवीं तक की बात बता रहा हूं मैं, दसवीं तक में आपको स्मृति स्तर को बहुत उच्च स्तर पर ले जाना है, जिससे उसके मस्तिष्क में शब्द भंडार इतना कर देना है कि जब वो दूसरे स्तर पे आए मस्तिष्क के, मस्तिष्क में 3 स्तर बांटा है मैंने, पहला स्मृति स्तर, दूसरा अवबोधन, तीसरा है चिंतन। तो अवबोधन मतलब समझ। अब समझ उसमें जब ही पैदा होगी जब उसका शब्दकोश ज्यादा होगा। जिस व्यक्ति का शब्दकोश ही नहीं है उसको क्या समझाएंगे आप और उसके क्या समझ में आएगा। तो शब्दकोश इतना करना है कि आपको सारी बात व्याख्या समझ में चली आए। संस्कृत सभी शब्दों पर ही आधारित है, तो शब्दकोश बढ़ाना है तभी आप उसमें पारंगत हो पाएंगे। तो दूसरा स्तर अवबोधन का है, तो नीम हो गई, याद रखना है हमको, वेश हो गया, आधार हो गया, तो रटना है आपको, ये आप मान के चलिए। समझना नहीं है पहले स्तर पर, खूब रटिए, फिर उसके बाद दूसरा स्तर में आ जाइए जब वो चीज हमको कंठस्थ हो गई। इसलिए मैं श्लोकों के माध्यम से भी थोड़ा सा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि श्लोक आप कंठस्थ कर लें। मैं आशा कर रहा हूँ कि श्लोक कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य कंठस्थ करेगा, वो आगे चल के बहुत ही लाभान्वित होगा। तो अब समझ का स्तर है, फिर तीसरा स्तर आता है चिंतन का, यानी कि ये जब दोनों मिल जाते हैं तब स्वयं के विचार उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति के विचार जब ही उत्पन्न हो सकते हैं जब उसका शब्द भंडार अच्छा हो, जब उसमें शब्दों की व्याख्या करनी आ गई हो, दूसरे स्तर पर शब्दों की व्याख्या करना, जैसे विज्ञान शब्द है, मैं विज्ञान शब्द को, जब विज्ञान में कोई भी शब्द रटने का नहीं है, शब्द को सिर्फ संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत में जो विज्ञान वाले छात्र हैं, हमारी सरकार का भी ये पता नहीं क्या नियम है, विज्ञान के साथ में इंग्लिश को तो लगा दिया जाता है और हिंदी मीडियम से पढ़ाई कराई जाती है। मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, आप समय थोड़ा सा खर्च होगा आपका, लेकिन समझने की बातें हैं। अगर उसमें इंटर तक संस्कृत कर दी जाए इंग्लिश के साथ साथ, अनिवार्य हिंदी है, हिंदी इतनी अनिवार्य नहीं है, होनी चाहिए, कर लीजिए, इंग्लिश को अनिवार्य बना रखा है, इंग्लिश का मुझे कोई औचित्य नहीं नजर आता साइंस में, और 90% बल्कि 99%
99% जितने भी बच्चे होते हैं वो इंग्लिश में मात्र पासिंग पास के लिए याद करते हैं, समझते नहीं है वहां, क्योंकि मतलब ही नहीं बनता वहां। यदि संस्कृत को अनिवार्य कर दिया जाए बारहवीं तक, तो वो शब्दों की व्याख्याएं दसवीं तक शब्दों को कंठस्थ कराया जाए, फिर 10 और 11 और 12 में उसको कंठस्थ कराने के बाद उनकी व्याख्या कराई जाए, तो विज्ञान सारा का सारा समझ में आ जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। मुझे आज तक जब कभी कभी दसवीं में चर्चा चल जाती है तो विज्ञान के शब्दों को लेकर के व्याख्या करा दी जाती है, तो बच्चे एक बार में ही समझ जाते हैं। तो मैं इसलिए इसमें बता रहा था। फिर तीसरा स्तर आता है चिंतन का, विचार का। फिर मैं अपनी तरफ से भी विचार रख सकता हूँ, यदि मेरा शब्द भंडार ठीक नहीं है तो मैं क्या समझूंगा। जब समझ में नहीं आई ना शब्द भंडार है तो चिंतन तो बनता ही नहीं। इसलिए हमारे देश में अब विज्ञान पैदा होना बंद सा हो गया है, हो रहा है लेकिन बहुत कम। और संस्कृत के बच्चों में तो सिर्फ एक होड़ लगी हुई है कि वो धीरे जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं टेट। इस पर भी थोड़ी आज 5 से 10 मिनट इसमें समय लेंगे, हो सकता है किसी को अच्छा ना लग रहा हो तो स्किप कर सकते हैं आप वीडियो को। मैं आपको थोड़ी सी समस्याएं बताता चलूं। टेट होता है, सी टेट होता है, टी जी टी होती है, पी जी टी नेट, जी आर एफ नेट का हिस्सा है, जिसमें ज्यादा प्रतिशत आ जाते हैं वो जी आर एफ बन जाता है, जूनियर रिसर्च फिलोसोफी। अब इसमें जो टेट है, सी टेट है, टी जी टी है, पी जी टी है, इनको अलग 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 तैयारी कर रहे हैं। मुझसे कमेंट में एक दो बच्चों ने पूछा भी है कि टेट में संस्कृत में क्या पढ़ाया जाए, सी टेट में क्या पढ़ाया जाए, टी जी टी का तो क्या सिलेबस अलग से पता ही होता है बच्चों को, लेकिन इनका पता नहीं है नेट, नेट में रट रहे हैं चीजों को। आपको एक काम करना है, किसी भी चीज का जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, पहले तो हमें यही नहीं पता होता, तीन स्तर होते हैं, इसमें भी तीन स्तर हैं, हर एक चीज में तीन स्तर ही डिपेंड करते हैं। एक होता है आपकी वर्तमान स्थिति, आप कहां पर हैं, पहले यह पता होना चाहिए आपको आप हैं कहां पर। फिर दूसरी आती है कि आपको जाना कहां है, भविष्य, हर व्यक्ति भविष्य में ही देख रहा है, भविष्य उन्मुख है, उसको आगे को ही अग्रसर होना, आगे को ही जाना है। अब जाना कहां यह मुझे नहीं पता, लेकिन भविष्य को ही देखता है वो, मुझे आगे चल के ये करना है, आगे चल के वो करना है। लेकिन और एक होता है आपका तीसरा स्तर, स्तर नहीं है इसमें, नियम, यानी जाओगे कैसे, जाओगे कैसे। ये तीन चीजें समझ में आ जाए व्यक्ति के, वर्तमान भी नहीं पता व्यक्ति को, बच्चे को जो अध्ययन कर रहे हैं कि मैं हूं क्या, मेरा मेरी स्थिति क्या है, जाना कहां है, भविष्य तो पता है, भविष्य तो पता है कि मुझे जाना आगे, लेकिन जाना कहां है नहीं पता। नाव है, नाव को छोड़ दिया है, पतवार है ही नहीं उसमें, चलती रहे ना किनारा मिलेगा, भंवर में फंस गए तो गोल गोल घूमते रहेंगे। तो यही हो रहा है, वर्तमान भी नहीं पता, भविष्य का भी अंधकार में है, मालूम जाना तो है लेकिन जाना कहां ये नहीं पता। तो दिशा निश्चित होनी चाहिए, वर्तमान आपको पता होना चाहिए, जाओगे कैसे, जाना है ये तो ठीक है लेकिन जाओगे कैसे, आपको ये भी पता होना चाहिए। कितनी सारी समस्याएं हैं, टेट की तैयारी करते करते बावले हो गए लोग, क्रॉस ही नहीं कर पाते उसको, क्या है इसमें, मेरी समझ नहीं आता आज तक। सी टेट पढ़ते पढ़ते पागल हो गए, ऐसे पढ़ते पता नहीं क्या है ये सी टेट टेट टी जी टी पी नेट, रटते रटते दिमाग खराब हो गया है। मैं अधिक बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, छोटी सी बात कर रहा हूं। मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे लगभग 10 साल सी हो गई हैं, लेकिन उनको ना तो टेट का आज तक क्रॉस हो पाया, ना सी टेट का क्रॉस हो पाया, टी जी टी पी तो बहुत बड़ी बात रही, नेट का तो सपना ही है। कारण क्या है, कारण है ये, इसमें एक चीज और है, कारण क्या है, सबसे पहला कारण है कि वो कभी फोकस्ड नहीं है अपने एक क्षेत्र पर, किसी भी क्षेत्र में जो वैकेंसी निकले उसी में उनका फॉर्म पड़ जाता है, सबसे बड़ी बात। और तारीख का ध्यान रखते हैं, कब एग्जाम की तारीख आने वाली, दिनांक आने वाली, तब उठाएंगे पुस्तकों को। पुस्तक कौन सी उठाते हैं, जो मार्केटों में अवेलेबल है, उपलब्ध है, आर्यंत की उठा लेंगे, प्रतियोगिता साहित्य की उठा लेंगे, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की उठा लेंगे, उपकार की उठा लेंगे, बहुत सारी हैं, अब तो किरण विरण भी आने लगी हैं, दृष्टि की भी आने लगी, उनको उठा करके तैयारी करना शुरू कर देते हैं। कितना पढ़ लेंगे उसमें है ही कितना,
तो यहाँ पर उनके फेल होने का कारण ये है, कभी वो मूल पुस्तकों से अध्ययन करते ही नहीं और वो इसको क्रॉस भी नहीं कर पा रहे हैं। नेट को तैयारी करते करते फर्स्ट पेपर के लोग प्रथम प्रश्न पत्र जो आता है उसमें पता नहीं कैसे क्या करते रहते हैं, मेरी एक बात समझ नहीं आती आज तक उसमें है क्या ऐसा कि उसको इतना घूमते रहते हैं। संस्कृत के तो विशेष रूप से फर्स्ट पेपर के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन अगर एक बार ईमानदारी से अध्ययन कर लिया जाए तो इसमें फिर नेट के प्रथम पेपर में मात्र एक महीने में, अधिक बड़ी बात नहीं है, मात्र एक माह में आप 35 से 40 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। एक महीने में, एक महीने का समय अगर प्रॉपर दे दिया जाए तो। किसी दिन स्टडी बताऊंगा कि कैसे इसको करना है, अगर मुझे लगा कि हाँ कुछ रुचि ले रहे हैं इस विषय में तो मैं बताने का प्रयास करूंगा, नहीं तो हमारा अध्ययन तो चल ही रहा है उसमें कोई दो राय नहीं। टीजीटी पीजीटी के बारे में कभी अध्ययन करेंगे, लोग अभी भी जाकर के बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं, इसलो गा गा करके अध्ययन कर रहे हैं, मेघदूत रट रहे हैं। अरे कहाँ तुम फंस रहे हो बच्चे, तुम्हारी क्लास खत्म हो गई, बीए तक ठीक था, एमए तक ठीक था, बच्चे थे, तुम पढ़ रहे क्लास में कक्षा 6 की तरह पढ़ रहे हैं गा गा करके। अरे कहाँ फंसे जा रहे हो, कोचिंग सेंटर में फंसे जा रहे हैं संस्कृत वाले अध्यापक बच्चे, तो उनकी व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ है, उनको पता ही नहीं है कि हम उनको करना क्या है, कैसे करना है। तो इसकी स्टडी बनानी चाहिए, आपको तरीका अपनाना चाहिए, तब आप उसमें सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। कभी मौका मिलेगा तो इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आपको करना कैसे है। नेट का अगर आप ढंग से, हर साल में 2 बार होता है और एक बार मन लगा करके, परीक्षाओं को मत देखिए, ये देखिए कि आता क्या है। सबसे पहले जो सिलेबस है उसको उठाइए, उसके अनुसार कुछ दिन दीजिए, 2 से 3 महीने सब भूल जाइए, केवल उसको अध्ययन करिए। उसके बाद फिर जो 10 साल तक के पेपर दे रखे हैं उनको हल करिए कि आखिर उसमें है क्या, कितना आप करने में सक्षम हैं। उसके बाद फिर दोबारा से अध्ययन करिए कहाँ कमी रहेगी। कभी मौका मिलेगा, समय ज़्यादा हो रहा है इसमें, और अगर कमेंट के माध्यम से मुझे 10 से 20 भी कमेंट मिले तो मैं इसके विस्तृत में जाऊँगा कि मैंने आज तक अपने जीवन में कोई भी परीक्षा दी, 3-4 ही परीक्षा दी है मैंने, ज़्यादा परीक्षाएं डाला भी नहीं कभी, मेरा कभी ख्वाब भी नहीं था कि मैं किसी और क्षेत्र में जाऊँ, तो वो कभी भी एक बार से दूसरी बार देने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी और 1 से 2 महीने में ही तैयारी हो जाती थी। चलिए बहुत हो गया इसमें, आज अध्ययन करेंगे, कभी इसके विषय में विस्तृत में जाएंगे, थोड़ा सा इसमें बोर हो जाते हैं बच्चे। तो इसमें बोला गया है, ये फिर आ गए हैं उसमें कि इसमें राम की तरह चलेंगे, ये मोदक की तरह चलेंगे, रुचिर्थानां प्रियमाणा, जो अच्छी लगती है वस्तुएं उसके साथ में, जिसको अच्छी लगती है चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। नपुंसकलिंग में इसमें स्मरण करने के लिए बोल रहे हैं, इसको याद कर लेना, क्रुद द्रुह ईशा अर्सुयार्थानम यम प्रतकोपा। असूई शब्द को मैंने बड़े अच्छे समझाया, असूई का मतलब होता है ईर्ष्या, होता है किसी के गुण से ईर्ष्या करना या किसी के किसी प्रकार से ईर्ष्या करना, लेकिन असूई जो होता है किसी व्यक्ति में दोष ही नहीं है लेकिन गुण है, गुण में भी दोष निकालना, वो असूई के अंतर्गत आता है। इनमें चतुर्थी का प्रयोग हुआ, कथ निवेद उपदेश धार्य स्प्रह कल्पते सभ्य चतुर्थी का तादर्थे चतुर्थी वाच्यम, इसमें भी अर्थम और कृते, कृते शब्द जब भी प्रयोग किया जाएगा तब षष्ठी का प्रयोग करते चले जाएंगे इसमें। आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, कभी कभी हो जाता है समय, और जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे सफलता बड़ी मुश्किल हो जाती है। अभ्यास डाल लेते हैं सीधे, हम अभ्यास पे चलेंगे, अभ्यास 11। इसमें भी तत् और एतत् जो पहले हमने सर्वनाम के शब्द जाने थे और या, ये उन्हीं का ही इसमें प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो प्रथम देख लेते हैं, यह उस छात्र को यह फूल अच्छा लगता है, उस छात्र को यह फूल अच्छा लगता है, ठीक है, वही है उस छात्र को, तो तत् का इसमें प्रयोग किया जाएगा, तस्मै छात्राय यह फूल, तो यह एतत् का प्रयोग किया जाएगा, एतत् एते एतानि नपुंसकलिंग है, एतत् पुष्पम रोचते,
ये अच्छा लगने की रोच प्रयोग है। तो तस्मय मतलब चतुर्थी विभक्ति, छात्राय मतलब चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है रुच धातु के योग में, रुच्यर्थानम प्रियमाणा। तो रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति उसमें लगती है जिसको जो वस्तु अच्छी लगती है। इस बालक को यह पुस्तक अच्छी लगती है, एक जैसा ही है, इसमें तस्मयी का इसमें ए तस्मयी का प्रयोग करके सीधा बना देंगे। गुरु शिष्य पर क्रोध करता है, क्रोध दुहु ईर्ष्या असूयार्थानम, जो प्रयोग किया गया जिस पर क्रोध किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए, जिससे असूय की जाए, उसमें चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। तो गुरु शिष्याय क्रोध्यति, बस इतना ही है। यह दुर्जन उस सज्जन से द्रोह करता है, तो एषः दुर्जनः तस्मै, इसमें वही प्रयोग किया जाएगा, सज्जनाय द्रोह्यति, वह मूर्ख इस विद्वान से ईर्ष्या करता है, सः मूर्खः, अब इस विद्वान से आ रही है तो एतस्मै, सीधा इसमें करिए, एतस्मै प्राज्ञाय ईर्ष्यति असूयति वा, क्योंकि मूर्ख है वो ईर्ष्या भी कर सकता है और असूय भी कर सकता है, दोनों चीजें हैं। वह गुरु इन बालकों को उपदेश देता है, सह गुरु एतेभ्या, इसमें बहुवचन आएगा क्योंकि इन बालकों को, सह गुरु एतेभ्या बालकेभ्यः उपदिशति, राजा ने सेनापति से कहा, नृपः सेनापतये अकथयत, शिष्य गुरु से भोजन के लिए निवेदन करता है, शिष्य गुरु, इसको थोड़ा देख लेते हैं, शिष्य गुरु से कहाँ चला गया, भोजन के लिए, भोजन के लिए निवेदन करता है, ठीक है। अब यहां पर शिष्य तो ज्योति तो लिख दीजिए, क्योंकि शिष्य कर रहा है निवेदन, जिससे निवेदन किया जाए उसमें चतुर्थी का प्रयोग किया जाएगा, तो शिष्य गुरवे भोजनाय, ऐसा भी कर सकते हैं, भोजनाय या भोजनार्थम, भोज, अच्छा इसको ब्रेकेट में ना लेकर के इसको ब्रेकेट में लेंगे, ठीक है, भोजनार्थम या क्या आ जाएगा, भोजनस्य कृते, भोजनस्य कृते, क्योंकि कृते के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें निवेदयति, निवेदयति, शिष्यः गुरवे भोजनाय, अर्थात भोजनार्थम भोजनस्य कृते निवेदयति, वह मुनि मोक्ष के लिए ईश्वर को भजता, मोक्षाय सह यति ही मोक्षाय ईश्वरं भजति, सीधा सीधा है। चार वर्ण हैं, चत्वारः, चत्वारी होता है नपुंसकलिंग में, चतस्र होता है स्त्रीलिंग में, चत्वारः, गिनतियों को अध्ययन करते चले, हमने सोतक गिनतियों को बनाने की विधि समझाई है, उसमें देख लें, चत्वारः वर्णः सन्ति, ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्रश्च, वह गुरु इन शिष्यों को विद्या देता है, सः गुरु एतेभ्यः शिष्येभ्यः विद्यां ददाति, अब ददाति देना होता है नहीं होता ये नहीं पता, उपदिशति कर दीजिए इसको, ठीक है, उपदिशति, ठीक है, विद्या का उपदेश किया जा सकता है, दिया नहीं जा सकता, उपदिशति ठीक है। राम इन फलों को चाहता है, राम इन फलों को चाहता है, तो एतेभ्या फलेभ्या इष्प्रहयति, सारे पापों को छोड़ो, तो सर्वाणि पापानी त्यज, ये क्षत्रिय उन वैश्यों और शूद्रों की रक्षा करें, तो या यौ ये बहुवचन का प्रयोग होगा, ये क्षत्रियाः, राम के बहुवचन का प्रयोग होता है, ऐसे क्षत्रिय राम की तरह चल, राम क्षत्रियाः उन वैश्यों, तो तस्मै तान, सात उते तम तो तान, अब इसमें बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, इसको थोड़ा देख लें, इसमें सभी में बहुवचन का प्रयोग है, क्योंकि बोलते समय गड़बड़ होने की संभावना रहती है ज्यादा।
ये है, ये क्षत्रिय, उन वैश्यों और शूद्रों की रक्षा करें। ठीक है, अब ये छत्री थोड़ा सा गलत बोल गया था मैं, या यो ये बोल गया था, ये छत्री है तो ऐसा है तो ये ते बहुवचन का प्रयोग होगा, या के जो रूप चलते हैं जो के लिए चलते हैं, तो एते क्षत्रियाः तान वैश्यान शूद्रान च रक्षन्ति। बस इतना ही है इसमें, एते क्षत्रिय तान वैश्यान शूद्रान च रक्षन्ति। आगे है, यह है दूसरी अन्य, इसमें दूसरी के लिए अन्य और इतर का प्रयोग किया जाएगा, पुस्तक है तो एतत् अन्यत् पुस्तकम् अस्ति, एतत् अन्यत् या इतरत्, वह मनुष्य कृष्ण का 100 रुपये का ऋणी है, सह मनुष्य कृष्णाय, जो जिसका ऋणी होता है, जिस रूप जिसके रूपे धारण करता है उसमें चतुर्थी का प्रयोग होता है, तो सह मनुष्य कृष्णाय शतम् धारयति, शिष्य का हित हो, शिष्याय हितम भवतु या भवेत, इस तरह से ये बन जाते हैं अभ्यास। और फिर भी इसमें कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो बताने की कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो हम उसको कमेंट के माध्यम से ही सही करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें याद रखना है, मैं ये बोल गया था या ये, ये वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो रूप ऐसे चलेंगे, ऐसा ये तो ये तो बहुवचन है ना ये। चलिए, और आपको इसका अभ्यास करना है, रुच धाती है, क्रुद्धति है, इनका सबका। चलिए, इसमें एक चीज और बताता चलूं, इसमें एक है ना, शिष्य गुरु से भोजन के लिए निवेदन कर रहा, तो निवेदन के साथ में द्वितीय का भी प्रयोग कर सकते हैं हम, शिष्य गुरुम भी कर सकते हैं, गुरुवे करा हमने, वो गुरुम भी किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।